नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेली फिल्मी में। यशराज फिल्म्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यशराज की अपकमिंग फिल्म शमशेर के बारे में, डिस्कस करेंगे उसकी सारी अपडेट्स को लेकर। तो बात करेंगे हम उसकी स्टोरी, स्टारकास्ट, रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। शमशेर इज एन अपकमिंग पीरियोडिक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। ये 18th में सेट की गई है। उसे डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने और उसे प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा एंड यशराज फिल्म्स ने। आगे हम बात करेंगे उसकी स्टोरी की। स्टोरी काफ़ी यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड होने वाली है। फिल्म की कहानी 18th के दशक में सेट की गई है और यह फिल्म एक डकैत जनजाति के बारे में है जो अंग्रेजों के खिलाफ अपने अधिकारियों और आज़ादी के लड़ाई में मोर्चा संभालती है। डकैत शब्द का अर्थ ऐसे लोगों का समूह है जो डकैती जैसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। आगे हम बात करेंगे उसकी स्टार कास्ट की। तो दोस्तों, इसकी स्टार कास्ट में हमें रणबीर कपूर जो कि डबल रोल करते दिखेंगे। रणबीर कपूर हमें शमशेर और शमशेर का फादर का रोल करते दिखेंगे। इसके अलावा हमें संजय दत्त, शुद्ध सिंह का रोल करते दिखेंगे। वाणी कपूर हमें आदर्शिनी का रोल करते दिखेंगे और इसके अलावा हमें रोनित रॉय एंड इरावती हर्ष देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे उसकी रिलीज डेट की। तो दोस्तों, ये हमें 31 जुलाई 2020 को थियोरेटिकली देखने को मिलने वाली, पर कोविड-19 के कारण ये नहीं हो सका। अब ये हमें 25 जून 2021 को देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।